सुप्रभात बच्चों, आज हम अध्याय 8 गति के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि हम अपने दैनिक जीवन में सर्वत्र देखते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है, कोई गतिमान है, स्थिर और गतिमान वस्तुओं की तुलना हम किसी वस्तु विशेष चिन्ह से मापकर या सापेक्षता के अनुसार देखते हैं कि वो चल रही है, गति कर रही है, वो रुकी है, स्थिर है। इस आधार पर हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं, एक विरामावस्था और एक गति अवस्था। आती है एक विरामावस्था और दूसरी गति अवस्था। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के, जैसे ये दीवार है, दीवार के सापेक्ष ये श्याम पट या ब्लैक बोर्ड स्थिर है, कहीं भी आ नहीं जा रहा है, ऐसी अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। मेज, कुर्सी, जो भी वस्तु जहां लगी पड़ी हुई है, इस अवस्था को हम विरामावस्था कहते हैं। गति अवस्था जब किसी निर्दिष्ट या स्थिर वस्तु के सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु, जैसे ये मान लिया एक स्थिर वस्तु है, इस स्थिर वस्तु के पास ये दूसरी वस्तु है जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, ऐसी अवस्था को गति अवस्था कहा जाता है। अब गति की परिभाषा हो जाएगी जब कोई वस्तु किसी अन्य स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे। अपनी स्थिति में परिवर्तन ही गति है। अब गति चूंकि हम सापेक्षता पर निर्धारित करते हैं, सापेक्षता एक दूसरे से तुलना करने पर, बृहद रूप में जाया जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं। चूंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की गति करता है, पृथ्वी सूर्य की गति करती है, सूर्य हजारों सूर्य जो हमारे आकाश गंगा में प्रवाहित होते हैं, सभी ब्रह्मांड में एक गति अवस्था में एक दूसरे के सापेक्ष गति करते रहते हैं। किंतु हमारी गति जो है किसी निर्दिष्ट वस्तु से समय के साथ अपनी स्थिति में जो परिवर्तन, जैसे मैं चल रहा हूं, मेरी धरती यही है, दीवार यही है, मेरी दूरी इस स्थान से यहां आ गई, तो ऐसी स्थिति में ये गति कहलाती है जो सापेक्षता पर निर्धारित होती है। जैसे हम किसी ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, मोटरसाइकिल पे चल रहे हो, तो मोटरसाइकिल या ट्रेन या बस बैठने के साथ अगर हम किसी स्टेशन से या किसी स्थिर स्थान से जब हम चल देते हैं, समय के साथ हमारी दुनिया बढ़ती जाती है या हमारा स्थान परिवर्तन होते जाता है, तो हम गति अवस्था में होते हैं। किंतु अगर हम बस में बैठे हो, बस जा रहे हो, तो बस के साथ हम गतिमान अवस्था में हैं। किंतु अपनी सीट पर बैठे हुए बस के साथ हम गतिमान में हैं, किंतु बस में, बस की सापेक्षता अगर हमसे ली जाए तो हम तो सीट पर स्थिर हैं,
बस की सीट पर हम विरामावस्था में, किंतु अगर बस के साथ हमारी अवस्था ली जाती है तो वो गति अवस्था में आती है। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि गति किसी वस्तु के स्थिरता के सापेक्ष मापी गई है। यह अवस्था को प्रदर्शित करने का एक प्रक्रम है जिसमें हम किसे विरामावस्था में लाते हैं और किसे गति अवस्था में लाते हैं। दूसरी बात देखेंगे गति के प्रकार। अब गति के प्रकार, गतियां कई प्रकार की होती हैं। अब किस कारण या किसके अनुसार हम लेते हैं? अगर हम गति को मोशन के आधार पर या मोशन या गति के आधार पर स्थिरता पर लें तो यह निम्नवत होती है। नंबर एक, समान गति या सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु अपने गति को एक सरल रेखा में, जैसे यहां से चलना प्रारंभ की, चल रही है, सरल रेखा में चलने का प्रयास करती है। यहां से स्टार्ट करी जा रही है, एक सरल रेखा में चलने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। दूसरा, वक्रीय गति या वृत्तीय गति। वक्रीय या वृत्तीय गति, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु टेढ़े मेढ़े रेखा पर चले तो क्रिएट हो सकती है। उसी में एक शब्द है या वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के परितः चारों ओर गमन करती है, ऐसी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे हम सीधी सरल रेखा में चल रहे हैं, चलते चलते किसी मोड़ पे मुड़ गए तो ये वक्रीय गति हुई, मुड़ना। दूसरा, वृत्तीय गति, जैसे ये स्थिर वस्तु है या एक बिंदु को किसी रस्सी से बांध लिया जाए और उसको घुमा लिया जाए तो वो रस्सी की लंबाई के बराबर एक स्थिर पिंड पर घूमती, तो ये वृत्तीय गति हो गई। तीसरी है दोलन गति। दोलन गति, जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु की, जैसे ये स्थिर बिंदु, मान लिया ए स्थिर बिंदु पर खड़ी, स्थिर बिंदु की ए दोनों तरफ इधर उधर यहां तक गई, पुनः यहां से यहां तक आई, फिर इधर से इधर, मतलब गई आई, ऐसे गति करती है पेंडुलम की भांति, जैसे घड़ी का पेंडुलम। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई पिंड स्थिर बिंदु के इधर उधर गति करता है तो ऐसी गति को दोलन गति कहते हैं। अब है अनियमित गति।
आपको इस प्रकार से किया है, जैसे ये मुंझाना वक्र के रूप में मुड़ना था, इसे सुधार लें। अनियमित गति में वस्तु बिना किसी दिशा के माप के जिधर इच्छा करती है उधर ही चलना प्रारंभ कर देती है, जैसे इधर गई, यहाँ आई, फिर इधर गई, इधर आई, ऐसी गति को अनियमित गति कहा जाता है। चलते हैं अब गति के प्रकार को पुनः दूसरे भागों में बांट लेते हैं, किसी अन्य कारक या कारण के आधार पर। जैसे दिशा के दिशा को मान लिया जाए, दिशा को ले लिया जाए, तो इसके आधार पर इसे हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला अदिश और दूसरा सदिश। जिस गति में दिशाओं को नहीं लेना या दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी गति को अदिश गति कहा जाता है या अदिश राशियों में व्यक्त कर दिया जाता है, ये राशियां अदिश हैं। जिन गतियों में राशियां किसी दिशा की आवश्यकता न लेकर के, जैसे दूरी, दूरी ले ली जाए तो दूरी कहीं भी हो सकती है, इस एक स्थान से इधर भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, सर्वत्र किसी भी तरफ हो सकती है, तो ये अदिश राशि है। जिस गति में दिशा के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को सदिश राशियां, गति को सदिश गति कही जाती है। जैसे वेग, विस्थापन आदि। जैसे अगर ये कहा जाए कि 2 न्यूटन का बल लगाकर दरवाजे को अपनी तरफ खींचो तो खुले, 4 न्यूटन का बल लगाकर दरवाजे को बाहर की तरफ ढकेलो तो बंद होगा। इन अवस्थाओं में अगर ये कहा गया जाए कि 4 न्यूटन का बल लगाओ, बल इधर लगाना है और हम इस दिशा में लगाए, जैसे इसको खोलना है, खोलने के बजाय हम दूसरी दिशा में लगाए, तो कार्य संभव नहीं होगा, गति नहीं होगी, वो उस अवस्था में जाने का प्रयास लगाया गया बल कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो सीधे शब्दों में चलते हैं, अगर राशियां लेते हैं तो इसे अदिश राशियां, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशाओं की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है या परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। इन राशियों को व्यक्त करके, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए कि उस राशि के ऊपर एक एरो का चिन्ह लगा देते हैं जिसे वेक्टर कहते हैं, सदिश कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी, विस्थापन, जब कोई वस्तु गमन करती है अर्थात किसी मार्ग पर चलती है, जैसे यहां से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है या यहीं से चलने के लिए ऐसे आई फिर यहां से ऐसे गई,
ये मार्ग है या ये एक मार्ग है, ये तीन मार्ग है, तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय किए गए मार्ग की लंबाई, मान लिया तीन लोग हैं M1, M2, M3 या A1, A2, A3, तीन व्यक्ति हैं, तीनों ने तीन रास्ते चुने, तो तीनों की दूरियां अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मार्ग की लंबाई जिसके द्वारा तय की जाती है वह उसकी दूरी कहलाती है। सीधे शब्दों में कहेंगे दूरी की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किंतु विस्थापन में प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की दूरी, बिंदुओं के मध्य की दूरी विस्थापन कहलाती है। मान लिया कोई ए बिंदु से चला, एक्स ने ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया, बी बिंदु पर पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा, सी से डी पर पहुंचा, अब यहां स्थिर हो जाता है, तो ये उसके बीच का विस्थापन है। परिभाषा के अनुसार प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। किंतु उसने तय किया ये मार्ग, तय की गई दूरी ये इसकी कुल दूरी है। अब चलते हैं दोनों में अंतर करते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर। परिभाषा से ले लिया जाए, परिभाषा से लेते हैं तो तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये अदिश है, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि आपने देखा है ये सदिश राशि है जिसमें दिशा ज्ञात होती है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो ये अदिश, सदिश, परिमाण, परिमाण के साथ दिशा, स्पष्ट हो गया। ये इसमें दोनों में हमने ध्यान दिया समानता क्या है, ये भी दूरी, दूरी तो तय की गई मार्ग की लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो ये भी लंबाई हुई और ए ए से बी के बीच की दूरी भी लंबाई हुई, तो दोनों का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर और दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। अब चाल के समय के आधार पर इसको बांट लेते हैं, समय के आधार पर इसे हम निम्न भागों में बांट लेते हैं।
समान गति। ये हम बात कर रहे हैं समय के आधार पर। तो पहली हो गई एक समान गति, दूसरा हो गया असमान गति। जब हम किसी दूरी को समान समयांतरालों में जैसे एक मीटर चले, दूसरे एक मिनट में फिर एक मीटर चले, तीसरे एक मिनट में फिर एक मीटर चले, तो यह समान गति कहलाती है। जब सीधे शब्दों में कहेंगे समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाती है, और समान समय अंतरालों में समान दूरी न तय करना, जैसे एक मीटर चला, दूसरे मिनट में डेढ़ मीटर चला, तीसरे मिनट में ये क्या किया ढाई मीटर चला, तो हम देखते हैं कि इनकी दूरियां बराबर और इनकी दूरियां बराबर नहीं होती। तो ऐसी गति को असमान गति कहते हैं। समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करना समान गति, समान